फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फिलिक्स। सो आज का टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अभी जो मोल कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आखिर हम इस वर्ड मोल से समझते क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो मोल एक कन्वीनियंट यूनिट है, इट इज अ यूनिट जिसकी वैल्यू है 6.022 × 10⁻², और इसको हम एन नोट, दिस इज नॉट नो, दिस इज एन नोट, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था मोल के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार उसे रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फिक्स्ड। तो मोल में क्या है, ये जो नंबर है 6.022 × 10⁻², ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये नंबर है जो कि फिक्स्ड है किसी भी सब्सटेंस में, ये फिक्स्ड है। एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट, इन द ऑनर ऑफ एवोगैड्रोस। ओके, तो आइए आज हम इस मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आपके बुक में बताया गया है कि मोल की डेफिनेशन है क्या, तो द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, एंड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द नंबर, आई मीन द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज EMU, एंड वी कॉल्ड एज U। तो ये जो मोल है वो आखिर आया कैसे, वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? तो ये जो टर्म है, सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्म है मोल, वो आपका 1896 में विलहेम ओस्टवाल्ड, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड ये जो वर्ड है मोल, दिस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है पाइल और हीप। तो हम कहते हैं ना पाइल ऑफ बुक्स, आई हैव बॉट अ पाइल ऑफ बुक्स, उसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, इसी तरीके से मोल का मतलब होता है पाई। और ये जो यूनिट है मोल, इसको 1967 में एक्सेप्ट किया गया था, दैट इज हाफ सेंचुरी, मतलब फुल सेंचुरी के बाद, फुल सेंचुरी और समथिंग लिटिल बिट स्मॉलर देन फुल सेंचुरी के बाद इसे एक्सेप्ट किया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले कर दिया गया था। तो ये जो मोल है, ये आपका, आपके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था एवोगैड्रो, अमीडियो एवोगैड्रो। मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, अमीडियो एवोगैड्रो। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वन डजन में आपका कितना होता है, 12 नॉस, यानी कि 12 नॉस का मतलब क्या है, 12 सब्सटेंस, लाइक अगर मैं बनाने की बात करूँ तो वन डजन बनाना मीन्स 12 बनाना, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि वन ग्रॉस में आपका 144 नॉज होता है, बनाने में बात करूँ फिर से तो 144 बनानाज हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें पता करना हो कि आखिर किसी भी पर्टिकुलर मोल, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के एलिमेंट की, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, आखिर वो कैसे हमें पता चले। तो अगर हम मोलर मास के टर्म में बात करें तो ये दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हाँ ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इजी चाहिए, कि सब कुछ इजी हो। तो इजी करने के लिए उन्होंने कहा कि जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस में जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, दैट इज 6.022 × 10⁻²। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ 6.022 × 10⁻², जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया तो लोगों ने उनके ऑनर में इस नंबर को एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट, दैट इज एन नोट, से डिनोट किया। तो ये तो था आपका एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट के पीछे की हिस्ट्री। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि why was the unit mole introduced? अरे भाई, हमारे पास तो एक मोलर मास तो था ही, क्या वो कम पड़ गया था जो हमने मोल को भी इंट्रोड्यूस कर लिया?
तो इसका सिंपल सा आंसर है जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, दैट इज इट इज मोर कन्वीनियंट टू रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स रादर देन इट्स मासेस. सो देयरफॉर अ न्यू यूनिट मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो अगर हम मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर हम मोलर मास के टर्म्स में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था लोगों के लिए मोलर मास के टर्म्स में किसी भी एलिमेंट्स को डिफाइन करना. ठीक है, तो जब मोल इंट्रोड्यूस किया गया तो ये समझा गया कि जो मोल है ये एक ऐसा स्केल है जो कि मोलर मास से ज़्यादा अच्छा है. अगर हम कभी भी किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करना ज़्यादा ईजी है उसके मासेस के बारे में बात करने से. तो उन्होंने कहा ऐसा, तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो तो फिर आप कुछ सही कह रहे होगे, आप भी साइंटिस्ट हो, तो इसलिए हमने उस मोल को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, पर इसको भी एक्सेप्ट हमने बहुत देर बाद किया, जब बहुत सारी हिस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी हुई इसके बारे में, तब हमने जाकर 1967 में इसे एक्सेप्ट किया. तो आखिर अब इस मोल, ये जो मोल है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टेंशन रहती कि है क्या, वो सिंपल सा एक नंबर है. ये नंबर पार्टिकल्स भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, एटम्स भी है, आयंस भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है. यानी कि वन मोल को अगर हम डिफाइन करें तो वो 6.022 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स भी है, 10⁻²³ आयंस भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, या फिर हम कहें एटम्स भी और पार्टिकल्स भी है. तो ये तो था आपका मोल का कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब एक चीज़ जो कि आपके बुक में दी गई है वो है ये डायग्राम. तो आखिर ये डायग्राम क्या कह रहा है, जिसमें कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसको भी समझा दीजिए, तो आइए आज हम इसको भी समझ ही लेते हैं कि आखिर ये डायग्राम क्या कह रहा है. इस डायग्राम में आपको बीच में वन मोल ऑफ कार्बन एटम, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और वन मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एनी एटम, मॉलिक्यूल, आयन एंड वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि वन मोल दिया हुआ है, किसी का भी ले लीजिए आप, वन मोल दिया हुआ है. ठीक है, तो उसको कंपेयर किया गया है एवोगाड्रोस कांस्टेंट के साथ, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके मास के साथ, दैट इज 12 ग्राम. आपको पता है कार्बन का मास होता है, इसी तरीके से एवोगाड्रोस नंबर जो है वो तो आपका फिक्स्ड है. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है. देखिए हाइड्रोजन का मास अलग होता है, 1 ग्राम होता है. ठीक है, इसे देख सर रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम्स, इस तरीके से आपको मास दे रखा है. तो उसका मतलब क्या है कि जो मोल है वो दो चीज़ों पर डिपेंड है, एक तो एनोड के ऊपर, दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट के ऊपर, और एक उसके मास के ऊपर. तो जब हम न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आने वाला है. तो न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन ए मॉलिकुलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक और फॉर्मूला, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू माई गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज एन नोट एवोगाड्रोस कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स का. अगर मैं एटम्स के बारे में जानना हो तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में एन नोट. तो ये तो फॉर्मूलाज थे. चलिए अब हम थोड़े क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को लेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा लेवल अप करेंगे अपना. ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक का ही ले लेते हैं, सो सिंपल. ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आपका ये एग्जाम्पल 3.3, हाँ, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग. 52 grams फर्स्ट ऑफ हीलियम, एच ई एक केमिकल सिंबल है आपका, केमिकल फॉर्मूला है आपका हीलियम का. ठीक है, तो हीलियम आपको 52 ग्राम्स दे रखा है. अब आपको पता करना है कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. तो यहाँ अगर हम ऊपर फॉर्मूलाज को देखिए तो इससे मैच करता हुआ, ये जो सिचुएशन हमें दी है इससे मैच करता हुआ कौन सा फॉर्मूला है, यानी कि हमें यहाँ पर ग्राम्स यानी कि मास दे रखा है हीलियम का, और हमें पूछा है मोल्स यानी कि मोल्स पूछा है
और हमें मास दिया हुआ है, क्योंकि हमें मॉलिकुलर मास तो हमें पता ही होता है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए और अब बस आपको पुट करना है कि समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ठीक है। तो 52 ग्राम्स, आइए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स को हमने ले लिया एक्स ले लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कितना मास हमें गिवन है, हमें गिवन है 52। और मॉलिकुलर मास जिसे हम मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास वो हीलियम का कितना होता है। तो हमें पता है कि हीलियम की जो एटॉमिक मास है वो होता है आपका 4U एटॉमिक मास। तो फिर मोलर मास हम ग्राम्स में पता करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया है कि मोलर मास की जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ग्राम्स में, और हम एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे यू में, डेट इज AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इसलिए मॉलिकुलर मास हो गया, यानी कि मोलर मास हो गया आपका 4 ग्राम्स, ठीक है। हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। हम एक्स नहीं यूज़ करेंगे, हम जो कि मोल्स के लिए हम यूज़ करते हैं एम, स्मॉल है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 13, 4 1s 4 एंड 4 3s 12, तो ये आपका आगे 13 मोल्स। तो ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप कहेंगे ये एटॉमिक मास आपको पता कैसे चला कि 4 होता है, ये तो कहीं दिया ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में आप वैसे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देती हूँ कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है कि आपके एटम में 3 चीज़ें दी होती है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास होता है आपका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो आपको मिलेगा आपका एटॉमिक मास। मैं AM लिख दे रही हूँ, ठीक है, एटॉमिक मास। तो ये होता है आपका एटॉमिक मास। तो हीलियम में आपके 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए आप जब इसको सम करेंगे तो आपको मिलेगा एटॉमिक मास हीलियम का 4, ठीक है, 4U एंड मोलर मास 4 ग्राम्स, ठीक है। सो सिंपल। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिए कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज फर्स्ट हमें फाइंड करना है 0.5 मोल ऑफ द N2 गैस, ठीक है, सॉरी गैस में डबल एस नहीं, एक एस, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये सुन लीजिए आप, हमें फाइंड करना है मास, टू फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है, मोल गिवन है, और हमें क्या गिवन है, N2 आपका क्या है, गैस में, यानी कि नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है जिसका मोल आपको 0.5 है, और आपको फाइंड मास करना है। तो सबसे पहले हम मास फ्रॉम मोल्स टू मॉलिक्यूल, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये तो आपने चलो कह दिया कि हाँ ये वाले यूज़ करने वाले, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए वो है मोलर मास। अब आप क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे N2 का। तो आप कहेंगे चलो ठीक है, हमने N2 का मोलर मास निकालना है, तो हमें तो भाई पता है कि नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14U, और फिर आप इसको पुट करके अपना आंसर निकाल देंगे। अगर आप ऐसा करते तो आपका बिल्कुल आंसर गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको नाइट्रोजन का नहीं पूछा गया यहाँ पर मोलर मास, आपको पूछा गया नाइट्रोजन गैस का। और नाइट्रोजन गैस जब भी मिलती है वो आपको N2 के फॉर्मूले में मिलती है, यानी कि वो 2 टाइम्स होता है, 2N के जो होते हैं वो एक साथ कंबाइन होते हैं, 2N के एटम्स कंबाइन होते हैं, नाइट्रोजन के एटम्स कंबाइन होते हैं, तो फिर वो नाइट्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो हमें मिलेगा 28U, और मोलर मास मिल जाएगा, ये तो एटॉमिक मास था आपका, मोलर मास आपको मिल जाएगा 28
क्रैम्स, ठीक है। अब आप इसको पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं एम इज इक्वल्स टू एम इंटू एन, ये फॉर्मूला, डेट इज मास इज इक्वल्स टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। आप कहेंगे ये तो फॉर्मूला हमें दिया ही नहीं था कोई, आपने तो बताया नहीं ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक्चुअली वही है, बस मैंने इसे रीअरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये है कौन सा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला फॉर्मूला, बस मैंने क्या कि मोलर मास को इस तरफ लेकर गए, तो ये मल्टी, ये डिवाइड में था यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में हो गया, और हमें क्योंकि आपको क्या करना था, मास फाइंड करना था, ठीक है, मास फाइंड करना था, तो हमने क्या कि इसको इधर लेकर चले गए, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे अपना सारी वैल्यूज को, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एम, इसे यहीं पर लिख देते हैं 14 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो हमें मिलेगा मास कितना मिल जाएगा 14। अब मास किस में होता है, ग्राम्स होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ग्राम्स। सो सिंपल, लीजिए हो गया आपका आंसर। चलिए अब एक जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है आपका हॉट्स क्वेश्चन, दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के वाले जो है क्वेश्चन है। तो आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन, सो इफ यू आर रेडी सो लेट्स बिगिन। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ CuO फॉर्म्ड व्हेन 7.30 ग्राम्स ऑफ कॉपर is strongly heated in excess air। Wow, क्या question था, हाँ हाँ, तीन लाइन में complete, और वो भी hots का question। अरे simple लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन simple है नहीं, ठीक है। क्या है आपको करना, calculate the mass of CuO formed when 7.3 grams of copper is strongly heated in excess air। क्या किया हमने, 7.3 grams of copper को हमने excess air में, बहुत ज़्यादा air में heat किया, तो हमें क्या मिला, CuO मिला। तो हमें क्या करना है, CuO का mass find करना है, ठीक है, mass find करना है CuO का। तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो अगर आपने अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो आइए अब हम इसको खुद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉपर जब हमारा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हमें पता है कि O2, जब हम ऑक्सीजन गैस के बारे में बात करते हैं तो हम O2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला, CuO, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा बैलेंस कर देते, इधर 2 डाल देते और इधर 2 डाल देते, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। तो ये इक्वेशन थी, जब कॉपर रिएक्ट करता है आपके ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमने ये पहले क्या किया, आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली, ठीक है। अब आपको पता है कि CU का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है 63.5 ग्राम्स, और जबकि यहाँ पर 2 CU दे रखे। अच्छा, हमने यहाँ बैलेंस क्यों किया था, बैलेंस इसलिए किया था, अगर हम बैलेंस नहीं करते तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो बहुत ज़्यादा गलत निकल के आता है, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बैलेंस नहीं करते, सिंपली आप सिंपली लिख देते हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो इक्वेशन को लिखना नहीं होता है, इक्वेशन को बैलेंस करके लिखेंगे, तब आपका वो जो इक्वेशन होगा वो केमिकल इक्वेशन होगा। सो हमने यहाँ पे 2 CU लिया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 127 ग्राम्स। तो ये हो गया आप मोलर मास ऑफ 2 CU कॉपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड के मास की। अब कॉपर ऑक्साइड के मास की क्यों बात करें, अब भाई इसका भी तो कोई रीज़न होना चाहिए, तो वो आपको रीज़न मैं अभी बताऊंगी क्या होगा। कॉपर ऑक्साइड के मास के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे कॉपर का मास, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन का मास, जो कि होता है 16, ठीक है। अब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा ये कुछ
यस ये मिल जाएगा आपको 159 ग्राम्स, ठीक है कैलकुलेट कर लीजिए 159 ग्राम से मिलने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम एक सिंपल सा सेंटेंस लिखेंगे जो कि है 127 ग्राम्स ऑफ सी यू गिव्स 159 ग्राम्स ऑफ CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। यानी कि जब हम 127 ग्राम्स ऑफ कॉपर को एक्सेस एयर में हीट करते हैं तो हमें 159 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम ऑफ Cu कितना CuO कितना कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, दैट इज 159 अपॉन 127 ग्राम्स ऑफ CuO, ठीक है। तो हमें पूछा कितना था, हमें 7.3 ग्राम्स पूछा था, हमें 7.3 ग्राम्स पूछा गया था। तो हमने सबसे पहले 1 ग्राम्स का निकाला, 1 ग्राम का निकाल लिया तो अब हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.3 ग्राम से, तो हमारा निकल जाएगा 7.3 ग्राम का मास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफोर 7.3 ग्राम्स ऑफ Cu गिव्स 7.3 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पूरे इक्वेशन में, दैट इज 159 अपॉन 127 ग्राम्स। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 9.14 ग्राम्स ऑफ CuO, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, बैलेंस कर देंगे, तो आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत इजीली हो जाने वाला है। तो ये तो था आपका मोल कॉन्सेप्ट पूरा, हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए, हॉट क्वेश्चंस भी देख लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको मेरे ये जो तरीका है पढ़ाने का अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस आवर वीडियोज़। Thank you.